केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली द्वारका गुरुग्राम एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। देखिए क्या खास है इस प्रोजेक्ट में। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली हरियाणा के बीच बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया और मंत्रालय की तत्परता की वजह से अब ये एक्सप्रेसवे जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का काम 2022 के आखिर तक पूरा हो जाएगा। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका अवलोकन किया और इसकी खूबियाँ बताई। एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर है 8 लेन का और इसके साथ साथ एक टनल भी जो मैंने बताई वो भी है। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा होगा। प्रोजेक्ट में 9000 करोड़ का खर्च होगा। 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में 6 लेन टनल है। एक्सप्रेसवे में पहली बार अर्बन रोड टनल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 1.5 किलोमीटर की एक नई टनल का भी निर्माण किया जाएगा जो सीधे IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में जो बाहर से पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। मंत्रालय ने दिल्ली के दूसरे इलाकों में ट्रैफिक को कम करने के लिए और भी टनल बनाने की योजना बनाई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।